गुड मॉर्निंग एलकेजी, ओपन योर प्राइमर बुक पेज नंबर 26। रिवाइज करना है आपको, इसमें क्या है देख लीजिए। इधर फिगर्स बने हुए हैं, पिक्चर्स बने हुए हैं, इधर उनका नेम है, लेकिन उल्टा पुल्टा है, आपको मैच कराना है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ये कॉट है, लेकिन यहाँ कॉट नहीं लिखा है, कॉट यहाँ लिखा है, ठीक है। तो ये रीडिंग भी आनी चाहिए और इसकी पहचान भी होनी चाहिए, तभी आप मैच करा पाएंगे। तो पहले मैं पहचान कराऊं, बोलिए कॉट, काऊ, कोट, कोट जो आप कोट पहनते हो, सी ओ ए टी, कोट। कोट और कॉट में अंतर है, ये कॉट है, ये कोट है, ठीक है। फ्रॉग, ये फ्रॉग है, ये पॉट है, बर्तन, पॉट। ये लॉक है, ठीक है। क्या है, ये कॉट है, पहचानिए। इंग्लिश में सबका नेम आपको आना चाहिए, ये कॉट, काऊ, कोट, फ्रॉग, पॉट, लॉक, ओके। कॉट, काऊ, कोट, फ्रॉग, पॉट, लॉक। अब इसकी रीडिंग आनी चाहिए, बोलिए एफ आर ओ जी, फ्रॉग, ठीक है। अब बेटा फ्रॉग कहाँ है इसमें, फ्रॉग यहां है, तो फ्रॉग को फ्रॉग से मैच कर देंगे। नेक्स्ट पढ़िए सी ओ टी, कॉट, सी ओ टी, कॉट, कॉट कहाँ है, यहां है, तो कॉट को कॉट से मैच कर दिया। अब देखिए, बोलिए एल ओ सी के, लॉक, एल ओ सी के, लॉक। अब लॉक कहाँ है इसमें, लॉक यहां है, तो लॉक को लॉक से मैच कर देंगे। ओ एक्स, ऑक्स, चलिए अच्छा सॉरी, मैंने काऊ बताया, ये ऑक्स है, ठीक है, ध्यान नहीं दिया मैंने, ये ऑक्स है बेटा, ठीक है। काऊ मीन्स गाय, ऑक्स मीन्स सांड, ये सांड है, ऑक्स है। तो देखिए ये ऑक्स है, ओ एक्स, ऑक्स, पहचानिए, मैंने इसको काऊ बताया था, आई वॉज रॉन्ग, दिस इज ऑक्स, ओ एक्स, ऑक्स है ये, ध्यान दीजिएगा। फिर है सी ओ ए टी, कोट, सी ओ ए टी, कोट, देखिए ये कोट है, कोट को कोट से मैच कर देंगे। पी ओ टी, पॉट, ये पॉट है, मैंने बताया था, पॉट को पॉट से मैच कर दोगे। एक बार फिर से इसको देखो बेटा, ये कॉट है, ओके, ये ऑक्स है, क्या है, ऑक्स, कोट, फ्रॉग, पॉट, लॉक। जब ये पहचान होगी तभी आप मैच कर पाओगे, ठीक है। अब इसको पढ़ो, रीडिंग भी आनी चाहिए, एफ आर ओ जी, फ्रॉग, सी ओ टी, कॉट, एल ओ सी के, लॉक, ओ एक्स, ऑक्स, सी ओ ए टी, कोट, पी ओ टी, पॉट। कई बार बेटा रीडिंग करिएगा, ठीक है ना, और पहचानिएगा इसको, बार बार वीडियो सुन के पहचानिए, कॉट, ऑक्स, कोट, फ्रॉग, पॉट, लॉक। जब ये रीडिंग करना जानेंगे और इसकी पहचान होगी तभी आप ये कर पाएंगे, ओके बेटा, थैंक यू। अब आप जरा सा अपनी पिक्चर डिक्शनरी बुक ओपन कर लीजिए, जरा सा इसको फिर से रिवाइज कर लिया जाए, पेज नंबर 17। आउटडोर गेम्स, आउटडोर गेम्स ऊपर लिखा रहेगा, नीचे आपको गेम्स के नाम एग्जाम में लिखने होंगे। आउटडोर गेम्स मतलब होता है जो गेम्स घर के बाहर आप खेलते हैं, ठीक है, घर में नहीं खेल सकते। तो देखिए इसमें एनी फाइव हम लोग को लर्न करना है, स्पेलिंग और रीडिंग सबकी आनी चाहिए। पहले रीडिंग करिए, बोलिए क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस, हॉकी, स्विंग, ठीक है, फाइव हो गए।
स्पेलिंग सी आर आई सी के ई टी क्रिकेट, सी आर आई सी के ई टी क्रिकेट, एफ डबल ओ टी बी ए डबल एल फुटबॉल, एफ डबल ओ टी फुट बी ए डबल एल बॉल फुटबॉल, टी ई डबल एन आई एस टेनिस, टी ई डबल एन आई एस टेनिस, एच ओ सी के ई वाई हॉकी, एच ओ सी के ई वाई हॉकी, एस डब्ल्यू आई एन जी स्विंग, एस डब्ल्यू आई एन जी स्विंग। ठीक है बेटा, लर्न करिएगा और राइटिंग करिएगा अपनी कॉपी में आप। ओके, थैंक यू।